नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारी SSC GD की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी जो DMA वगैरह चल रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 28 अगस्त 2020 है और आज भी मेडिकल चल रहा था और वो 11 तारीख तक चलने वाला है, 11 सितंबर तक। और 11 सितंबर के बाद जो लास्ट डेट वाले हैं 11 सितंबर के वाले, तो उनको 15 दिन का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, री मेडिकल प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ना बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है ना। भर्ती प्रक्रिया अगर आपकी पूरी हो जाने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बहुत जल्द आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर के जो है मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद 45 डेज लगते हैं, मतलब 45 दिन लगते हैं ज्वाइनिंग लेटर में, लेकिन कोरोना वायरस का प्रकोप है, थोड़ा ज्वाइनिंग वगैरह में टाइम लगेगा। मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस ख़त्म होते होते अगर वैक्सीन वगैरह आ गई तो हमारा जो ज्वाइनिंग वगैरह का प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगा। अगर वैक्सीन नहीं आती है तो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये आप मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग में टाइम लगेगा। तो देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आपका भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, होने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जल्दी आ जाएगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के कम से कम 2 महीने बाद ही जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। BSF ट्रेडमैन का भी सेम हुआ था और 2015 में भी SSC GD का जो भर्ती प्रोसेस था वो मेडिकल में ही, जो दिसंबर में ही मेडिकल ख़त्म हो गया था उन लोगों का 2016 में, ठीक है। लेकिन उनका मेरिट लिस्ट आया था 2017 फरवरी में, ठीक है, 2017 में फरवरी में उनका फाइनल मेरिट लिस्ट आया था। और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि भर्ती प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो है आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए, इसके लिए रिकॉर्डिंग मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए जो रात ट्वीट करते रहते हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन करते रहते हैं, और जो माननीय हमारे रणबीर सिंह जी है जो, तो दोस्तों अर्धसैनिक बलों के लिए जो रात दिन कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, कहीं पर मोर्चे निकालते रहते हैं, कहीं पर बैठक लेते रहते हैं, किसी बड़े बड़े ऑफिस में जाते रहते हैं, ट्वीट के माध्यम से भी लोगों तक अपनी जो बातें हैं वो पहुँचाते रहते हैं हमारे रणबीर सिंह जी, और उन्होंने ही हमारी भर्ती प्रोसेस शुरू करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि रणबीर सिंह जी ने ही जो मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में जाके निवेदन दिए थे कि SSC GD 2018 वाली भर्ती की प्रोसेस को शुरू करिए, तब जाके जो है DME प्रोसेस शुरू हुआ था। उन्होंने जब लेटर दिया था तभी जो है मेडिकल एडमिट कार्ड आए थे और नोटिफिकेशन आई थी। अब उनका जो है एक और प्रोसेस शुरू करने के लिए लेटर दिया है, ठीक है ना, 28/8/2020 को ही ये लेटर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो चैप्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया गया है कि महोदय विनंती की है कि SSC GD 2018 के 60,000 उम्मीदवार जो कि कल केंद्र अर्धसैनिक बलों का हिस्सा बनेंगे, मेडिकल प्रक्रिया में तीव्रता लाई जाए ताकि युवाओं को आने से देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। तो इनका जो है हमारी 2018 वाली SSC GD की भर्ती पर बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इसको लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हर मुद्दे में वो SSC GD का जिक्र करते हैं कि पहले इन्होंने जो है निवेदन वगैरह दे के हमारा भर्ती प्रोसेस शुरू करवा दिया, अब इन्होंने फिर से एक निवेदन दिया है और उसमें बताया कि आप जो SSC GD का जो मेडिकल वगैरह चल रहा है या DME चल रहा है और रीमेडिकल जो होने वाला है उसमें तीव्रता लाया जाए, मतलब उनको फास्ट करके इनका जो है भर्ती आगे बढ़ाया जाए, इसमें थोड़ी तेज़ी लाई जाए। ये इनके बहुत ज़्यादा प्रोसेस चल रहा है, इनका बहुत ज़्यादा हमारी इस भर्ती में योगदान है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इन जो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, हमने कंप्लीट 5 महीने राह देखी है, 5 महीने से ज़्यादा हो गया था पूरा भर्ती प्रोसेस में, 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ी थी भर्ती प्रोसेस। फाइनली रणबीर सिंह जी भगवान जैसे हमारे लिए आए और उन्होंने निवेदन दिए गृह मंत्रालय में, और तब जाके जो है CRPF वालों की आँखें खुली, अपने नींद से जागे और हमारा भर्ती प्रोसेस के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी की, एडमिट कार्ड आए और अभी फाइनली 24 तारीख से मेडिकल शुरू हुआ है। और देखिए, इनके जो लेटर वगैरह होते हैं वो सीधा मंत्रालय में जाते हैं, वो खुद होके वहाँ पे जाके देख आते हैं, गृह मंत्रालय में भी जाते हैं और PMO के ऑफिस में भी जाते हैं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के जो ऑफिस है वहाँ पर भी जाते हैं, ऑनलाइन जो RTI लगाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे तभी तो होगा, राइट। हम अगर घर में ही बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमारी इस 2018 वाली SSC GD की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में जो है रणबीर सिंह जी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है, और बहुत ही जल्द जो है आपका मेडिकल के रिकॉर्डिंग भी नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगी और एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आपका जो मेडिकल है वो भी फास्ट होगा, ठीक है ना। जैसे एडिशनल कैंडिडेट का एक ही दिन में कंप्लीट करवा दे रहे हैं, वैसे ही आप लोगों का जो रही मेडिकल की प्रोसेस है
उसके रिकॉर्डिंग मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा, आप मेरी वीडियो की राह देखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नया और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।